सर मेरा सवाल है कि जैसे कि हम कितने भी अच्छे हों लेकिन जो हमारा गुस्सा होता है ना वो हमारी सारी अच्छाई जैसे आप कहते हैं तेल लेने चली जाती है, अगर गुस्सा आ जाता है तो हमारी सारी अच्छाई एकदम बेकार हो जाती है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें क्योंकि गुस्सा बहुत ज्यादा है। टीन अपना फोन फेंक देते हैं, मम्मी पापा पे गुस्सा करते हैं, आपको तो पता ही है, मुझे तो पता ही है, मतलब मेरे बच्चे भी मेरे पे करते हैं। सर ये अगर सॉल्यूशन दे सकते सर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू, अरे मैं हूं सर। गुस्सा क्या है, बेसिकली एनर्जी है, हमारे पास में दो ऑप्शंस है, या तो चाहे तो गुस्से के थ्रू उसको एक्सप्रेस करें या फिर उस पूरी एनर्जी को जो भी हमारे ड्रीम्स हैं जो भी गोल्स हैं उसको पूरा करने में लगा दें। दिस चॉइस इज एंटायरली योर्स। गुस्सा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे भी कई सेशंस में आपको एग्रेशन नजर आएगा। सो दैट एग्रेशन इज देयर इन एवरीबडी, दैट एग्रेशन इज नॉट बैड, दैट एग्रेशन इज एनर्जी। तो एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के दो तरीके हैं, एक है कि थ्रू एंगर, या फिर है अपना जो भी आप काम कर रहे हो वहां पर अपनी पूरी एनर्जी लगा दी आपने। थैंक यू सर। हमारी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स होते हैं एंड हम कुछ फेलियर्स होते हैं उनसे हम डील कर सकते हैं, बट बहुत सारे फेलियर्स होते हैं जिनसे हम डील नहीं कर सकते और उस जगह उस टाइम पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, उस टाइम पर हमें कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में, चाहे कितना भी बड़ा फेलियर हो, चाहे कुछ भी हो जाए, जिससे आप डील नहीं कर सकते। पहले तो जो आपने गलत कहा उसको ठीक करो अपने माइंड में, क्योंकि जैसा हम खुद को बोलते हैं वैसा ही हमारे साथ होने लग जाता है। तो अगर बोलना ही अपने आप को ये बोलो कि अरे फेलियर क्या होता है, कोई भी फेलियर हो किसी भी लेवल का हो चाहे कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में, मैं उसे डील कर सकती हूँ, इतना ही बोलना काफी है। यहीं से आपको स्ट्रेंथ मिलने लग जाएगी कुछ भी लाइफ में हो रहा है उससे डील करने की, क्योंकि अगर आप बोलते हो कि हम डील नहीं कर सकते तो उसके बाद में बाहर से चाहे कोई भी कुछ भी करता रहे, मेरे जितने मर्जी सेशन देख लो सब कचरा है, सब बकवास है, बाहर से कोई भी आकर कुछ भी बोलता रहे सब बेकार है। मेरे सेशन पता है कब काम के हैं आप लोगों के लिए? जब आप यहां पर आए हो, बैठे हो और अपने आप के अंदर ये बोल रहे हो, हाँ मैं अपने आप को बदल सकता हूं, मैं बदलना चाहता हूं और मैं बदल के रहूंगा, अब मुझे सुन रहे हो तो फायदा है। बट अगर आप बोलते हो कि नहीं मेरी तो जो प्रॉब्लम्स है मैं उसे ये नहीं कर सकता, सब बकवास है, टाइम पास है। सर एक्चुअली मैं अपने करियर में बिजनेस फील्ड की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, तो उसमें हमें मतलब सिखाया जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरी बहुत अच्छी नहीं है कम्युनिकेशन स्किल्स, तो हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? जैसे कि मुझे एक प्रोडक्ट बेचना है तो मैं उसको कैसे इंप्रूव करूँ कि कस्टमर बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाए कि वो प्रोडक्ट खरीद ले? प्रैक्टिस करते रहो, उसके बारे में सोचने से कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं होती हैं, प्रैक्टिस। सर जैसे मैं कुछ करती हूँ तो फिर मतलब लोग सामने से नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि तू सही नहीं कर रही है, तो मैं डिमोटिवेटेड फील करती हूँ। क्यों? क्योंकि अभी आप एक्चुअल में सही नहीं कर रहे हो। आपने मेरा पहला सेशन देखा है? यस सर। इतना वाहियात है कि देखोगे तो आंखों से खून के आंसू टपकेंगे। यस सर। तो इसका मतलब क्या था, मैं सही नहीं कर रहा था? तो पूरी दुनिया मुझे कह रही थी मैं सही नहीं कर रहा था, मुझे भी पता है मैं सही नहीं कर रहा था, लेकिन आज तो सही कर रहा हूँ। अरे दिल रख लिया आप लोगों ने, मेरा दिल जीत लिया। 5 मिनट के लिए और चलेगा ओके सेशन। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर प्रैक्टिस करते रहे अपनी जो स्किल्स हैं उसको इंप्रूव करने की, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने की, अपनी सेलिंग स्किल्स को इंप्रूव करने की, कहीं किसी बुक में पढ़ा, फिर उसमें जो पढ़ा उसको अप्लाई किया, फिर कुछ गलतियां करी, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करते रहे तो आज नहीं तो कल कमाल के कम्युनिकेटर बन जाओगे। थैंक यू सर। आज से 2.5 साल पहले एक MBA कॉलेज में मुझे बुलाया गया था पुणे में एक स्पीच देने के लिए। पूरी तैयारी करी, 1 महीने तक रट्टा मारा स्पीच की, मैंने पूरा कॉन्फिडेंट था कि मैं दे दूंगा स्पीच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ गया स्टेज पे जा करके, जैसे ही मैंने देखा 400-500 लोग सामने बैठे हुए हैं, सब भूल गया, ब्लैंक एकदम। मैं कही क्या हो रहा है? अपनी वो पर्चा उठाया जो पर्चा मैं ले करके गया था जिसमें सारा कुछ था, और स्टेज के पीछे एक कमरा था उसमें जा करके एंटर कर गया, उधर जा करके और फटाफट अपना याद करने लग गया। इतनी देर में सामने से एक लड़की आई, आकर के कहती सर आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपकी तो स्पीच है। मैंने कहा यार मैं थोड़ा सा ना वो स्पीच को देख रहा हूँ, तो देख के समझ गई मेरी हालत। कहती आप नर्वस हो? मैं नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो, मैं नर्वस लग रहा हूँ आपको? क्या बात कर रही है? तो कहती अच्छा, एकदम सीरियस हो गई, ऐसे हाथ फोल्ड करके खड़ी हो गई। कहती अच्छा आप नर्वस नहीं हो, तो ये लेडीज टॉयलेट में क्या कर रहे हो? मैं पहले इधर देखा आराम से, उधर देखा मैं ऐसे। उसके बाद जब ये हुआ, किसी तरीके से मैं स्टेज पे चला गया, स्टेज पे जा करके खड़ा हो गया,
पोडियम के सामने। अब सपोज आप इमेजिन करो सिचुएशन क्या होगी वहाँ पे, ये पोडियम है और मैं स्पीच देने के लिए खड़ा हुआ पूरी तैयारी के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज संदीप महेश्वरी एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लैंक। एक सेकेंड निकला, दो सेकेंड, दस सेकेंड, ऐसे में क्या होता है एक एक सेकेंड भी एक साल जैसा निकल रहा होता है। ऑडियंस बैठ के इस तरीके से घूर रही होती है जैसे मैं कोई दूसरे प्लैनेट से आया हूँ, जैसे आप लोग अभी मुझे देख रहे हैं कि मैं पता नहीं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर। अरे भाई आप में से एक हूँ। उसके बाद नियर अबाउट डेढ़ मिनट बाद वहाँ खड़ा रहा मैं, ऑडियंस में ही एक लड़का बैठा हुआ था उसी कॉलेज का, उसने मुझे बोला कम ऑन सर यू कैन डू इट। मुझे झटका लगा, मैंने कहा यार ये कह रहा है तो शायद मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने बोलना शुरू किया, किसी तरीके से अपनी वो स्पीच ख़त्म करी और नीचे उतरा। तो मेरे इस एक्सपीरियंस से ना मैंने दो चीज़ें सीखी हैं लाइफ में, कि अगर मैं कर सकता हूँ ना, मेरे जैसा लड़का जिसको बचपन में बोलते थे कि ये संदीप तो भाई बहुत शर्मीला है, दब्बू है, कहीं आया जाया कर, तो मैं कहीं नहीं जाता आता था, कुछ नहीं, घर में बैठा रहता था, स्कूल में कोई मेरा फ्रेंड नहीं था, तो अगर मेरे जैसा लड़का जो इतना दब्बू था अगर वो वहाँ से यहाँ इस स्टेज पे आकर के आप लोगों के सामने बोल सकता है, दो घंटे छोड़ो पाँच मिनट भी बोल सकता है, तो इस दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है। I lost my father in 2014, तो अभी उनकी कुछ अच्छी मेमोरीज में याद करती हूँ, बट उसके साथ साथ जो हॉस्पिटल में क्या हुआ वो साथ में चलता है, तो अगर मैं कुछ करना चाहती तो कुछ कंसंट्रेट नहीं कर पाता वो गुड मेमोरीज में को याद करने में भी प्रॉब्लम होती, तो मैं उससे जाना ही नहीं चाहती। प्रॉब्लम क्या है, ये अच्छा और बुरा याद आना या ये चाहना कि मुझे बुरा याद ना आए और अच्छा याद आए? हमारी ये चाहत ही गलत है। आप ये चाहते हो कि मैं ये बटन दबाऊं टेलीविजन ऑन हो जाए, इस पे वाइट कलर्स मुझे अच्छे लगते हैं तो वाइट कलर तो आए, ब्लैक ना आए, ऐसा हो सकता है? टेलीविजन ऑन होगा तो दोनों आ जाएगा। ये ब्लैक और वाइट एक दूसरे के पीछे है, बिना ब्लैक के वाइट कहाँ है और बिना वाइट के ब्लैक कहाँ है? व्हाइट को देखने के लिए पीछे ब्लैक का बैकग्राउंड होना चाहिए, अगर सिर्फ व्हाइट ही व्हाइट हो तो व्हाइट नजर नहीं आएगा, वहां पे सिर्फ स्पेस नजर आएगी। व्हाइट कलर भी अगर आपको देखना है तो पीछे ब्लैक चाहिए, उसके अगेंस्ट में आप व्हाइट देख सकते हो। ये ज्यादा टेक्निकल हो गया। तो अगर ऐसे हम समझ जाएं तो हम जो भी गलत चाह रहे हैं वो चाहना बंद कर देंगे, जैसे गलत चाहना बंद कर देंगे दुख होना बंद हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। ये एक्चुअल सॉल्यूशन है। हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं जैसे सब कर रहे हैं, कैसे? नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, ये पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर बुक्स पढ़ लो। नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, घर वाले आकर के सलाह देंगे, अरे क्यों नेगेटिव सोच रहे हो, तू बड़ा नेगेटिव सोचती है। उनको बोला एक बार जरा अपने ब्रेन के अंदर झांक के दिखाना, मेरे को जरा दिखाना आपके ब्रेन के अंदर क्या क्या चलता है। सबकी ब्रेन के अंदर जो जो चल रहा होता है, आपकी, आपके घर वालों की, ऐसे लोग जिनकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आपके फादर, आपकी मदर, आपके पेरेंट्स, कोई भी इंसान, उनकी ब्रेन में जो एक्चुअल में चल रहा होता है अंदर, जो वो सोच रहे होते हैं, अगर उसको टेलीकास्ट कर दिया जाए ना टीवी चैनल के ऊपर, अगले दिन सुसाइड करेंगे वो सारे के सारे। इससे क्या समझ आ रहा है? ब्रेन इज ब्रेन, सबकी एक जैसे काम करती है, और ब्रेन में ऐसा कोई तरीका नहीं है ये तो आए वो ना आए, या तो दोनों ही नहीं आएंगे। जैसे गहरी नींद में होता है, जब आप गहरी नींद में होते हो तो पिक्चर बंद हो जाती है, जैसे स्क्रीन बंद हो गई, ऑफ, दोनों ही गायब, पर उसके लिए हम तैयार नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे हो, हम क्या चाहते हैं सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो, यही आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। मतलब अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उसकी जो अच्छी क्वालिटीज हैं वो तो आपको चाहिए, बुरी नहीं चाहिए, फंस गए ना। जबकि आप खुद भी, और यही प्रॉब्लम आपकी सिर्फ उसके साथ नहीं है, आपके खुद के साथ भी है, क्योंकि खुद को कभी हमने समझा नहीं है। खुद की भी अच्छी साइड्स को तो आप देखना चाहते हो, अपनी बुरी साइड्स को छुपा रहे होते हो। प्रॉब्लम क्या है, आपकी ब्रेन के अंदर उल्टी सीधी चीजें प्ले होती हैं, ये प्रॉब्लम है, या आप चाहते हो कि ये सीधी है ये तो प्ले हो, ये उल्टी है ये प्ले ना हो, ये है प्रॉब्लम। क्या ये चाहत प्रैक्टिकल है? हम इम्प्रैक्टिकली जीते हैं, अगर इसको एक वर्ड में समअप किया जाए, हम इम्प्रैक्टिकल हैं। तो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग? टू बी एब्सोल्यूटली प्रैक्टिकल। बीइंग प्रैक्टिकल मींस टू सी दिस वर्ल्ड एज इट इज। बीइंग प्रैक्टिकल मींस ये समझ लेना गहराई से कि कहां पर एफर्ट करने की जरूरत है, कहां पर एफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं समझदारी।